वन अपॉन साइन एक्स है और क्या है कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है। इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, देखो हमें एक बात पता है क्या कि यहां कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस कॉस क्यूब एक्स में से कॉस क्यूब एक्स में से हम एक काम करते हैं, एक काम क्या कर रहे हैं, ऊपर का ऊपर देखो यहां पर कॉस एक्स से क्या करा देते हैं डिवाइड, क्यों, क्योंकि साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या बन जाए टेन एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स से हम क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहां से इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा हो जाएगा आपको कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन चुका होगा, बोलो टेन एक्स बन गया होगा, ठीक है। और यहां पर वन अपॉन ये कितनी बन गई होंगी, कॉस की पावर फोर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक की पावर कितनी 4x, और साथ में नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 10x और क्या dx। एक बार फिर से समझो, देखो किया क्या मैंने, साइन x ऐसे ही लिखा, कॉस क्यूब एक्स ऐसे ही लिखा, कॉस x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, इससे क्या फायदा हुआ, साइन x अपॉन कॉस x नीचे क्या बन गया 10x और ये कॉस की पावर कितनी हो गई 4x, 1 अपॉन कॉस की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं sec की पावर 4x। अब अगर मैं 10x को t मानूं, 10x को अगर मैं t मानूं तो बच्चों secant square x dx क्या बन चुका होगा, बोलो dt। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो sec की पावर 4x लिखा है, ऐसे sec square x into sec square x dx लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक काम और भी कर सकते हैं, इस sec square x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो 1 plus tan square x, ये लिख सकते हैं 1 plus tan square x, यही तो लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या चल रहा है tan x और साथ में क्या चल रहा है secant square x dx। अब अगर हम tan x को t मान लेते हैं तो tan x को t मानने पर secant square x dx क्या बन जाएगा dt। तो मैं यहां पर वही कर रहा हूं कि secant square x dx की जगह मैंने क्या लिख दिया dt और हमारे पास क्या चल रहा है 1 plus t square अपॉन में क्या t, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कराओगे, आसान है, t को इसके नीचे अगर लिखो 1 upon t dt plus t को इसके नीचे लिखोगे, t से एक t कट गया होगा, क्या बचा होगा बोलो t dt, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना आ रहा होगा लॉग टी, ठीक है, प्लस इस टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, अच्छा लॉग ऐसे ही, ठीक है। टी हमने किसको माना है, बोलो टेन एक्स को माना है, देखो तो टी हमने टेन एक्स को माना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टेन एक्स और प्लस टी की जगह अगेन टेन एक्स अपॉन टू प्लस, ये इसका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि कैसे किए सारे स्टेप्स, बिल्कुल आसान है। हमें ये तो पता था कि यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स, अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स होता तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स कह देते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स है नहीं, जिससे कि यहाँ टेन एक्स बन पाए, तो हमने कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया, इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होगा कि यहाँ तो टेन एक्स बन जाएगा और यहाँ sec की पावर बन जाएगी 4, और मतलब कैसे बनी sec की पावर 4, ये समझ में आता है, ये cos की पावर 4 है ना, तो 1 अपॉन cos की पावर 4 sec की पावर 4 बन गया। अब इसमें से स्क्वायर ये अलग कर लिए, ठीक। अब इन स्क्वायर में से भी इस sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 plus tan square x, और ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया क्योंकि जब मैं tan x को t मानता हूँ तो sec square x dx dt बन जाता है, तो ये sec square x dx ये सब कुछ बन गया क्या dt, और tan x की जगह t लिख लिया। जब डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन t आएगा और t को इसके नीचे लिखोगे तो सिर्फ t बचेगा, इनके इंटीग्रेशन में आते हैं और लास्ट में t की जगह tan x पुट कर देना है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आप कर पाओगे,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, आसान सा क्वेश्चन है एक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों? कॉस कितना लिखा हुआ है? 2x और अपॉन में क्या? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आया जो कि बहुत ही आसान है। कैसे करोगे? देखो, हम जानते हैं क्या कि कॉस 2x का फॉर्मूला हुआ करता है कितना? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस 2x का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। और नीचे क्या चल रहा है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला लगाना है कॉस 2x का? तो प्लस वन और प्लस माइनस वन वाली फॉर्म तो है नहीं ऊपर, तो जिससे कि कॉस 2x का कोई और फॉर्मूला लगाए। जब प्लस वन और माइनस वन वाली फॉर्म नहीं होती है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और इस फॉर्मूले को लगाने का हमारा पर्पज भी ये है कि इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, इससे हमारा नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो क्या होता है? ए माइनस बी हो जाएगा और क्या? ए प्लस बी आ जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया। जब एक ब्रैकेट कैंसिल हुआ तो अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बड़े आसानी से आप कर पाए। कैसे? नीचे वाले टर्म को अगर बच्चों हम क्या मान लें, बोलो टी। नीचे वाले टर्म को हम क्या मान लें? टी। तो ऊपर वाला टर्म डी टी बन चुका होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान रहा हूँ। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और साइन एक्स का क्या? कॉस एक्स। डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो कहीं पर अगर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स लिखा हो, क्या लिखा हो? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो उसे क्या लिखा जा सकता है? डी टी। ठीक, तो मैं वही कर रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने क्या माना है? टी। और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना हुआ करता है? लॉग टी प्लस सी। और यहाँ से हमने, क्योंकि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने टी माना है, तो हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस ये आंसर बन जाएगा। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन बनाया गया है। कॉस 2x का ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया बताओ? क्योंकि 1 कैंसिल नहीं करने थे। ठीक, तो सिर्फ यही बचा। और इस फॉर्मूले को लगाने का बेनिफिट क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाकर ए माइनस बी ए प्लस बी जब लिखोगे तो एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर नीचे वाले टर्म को जब आप टी मानोगे तो ऊपर वाला टर्म डी टी बन जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन कराकर आपको टी की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इस तरह से आप ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, देखो इससे भी आसान वाला क्वेश्चन आ गया एक, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? साइन इनवर्स और कॉस एक्स है। साइन इनवर्स के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस एक्स, इस तरह का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 21 में साइन इनवर्स क्या चल रहा है? कॉस एक्स चल रहा है। अब जो अंदर एंगल लिखा हुआ है ना, एंगल, एंगल को ही हमें टी मानना पड़ेगा। एंगल को ही हमें क्या मानना पड़ेगा? टी मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एंगल को टी ना मानकर कुछ भी और टी मानोगे, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी तो टी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, बट यहाँ पर कॉस जो है वो एक्स के टर्म में बचा होगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस एक्स को क्या मानना पड़ेगा? टी। देखो यहाँ पर अगर आप कॉस एक्स को टी मानते हो तो आप एक बात जानते हो कि कॉस एक्स को अगर हम टी माने तो यहाँ से कॉस एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता होगा, बोलो? अगर जरूरत पड़ेगी तो कितना? कॉस इनवर्स टी, यही हो जाएगा, कॉस इनवर्स टी। ठीक है, अब कॉस एक्स को जब आप टी मानते हो तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस का साइन एक्स डी एक्स, और इक्वल टू में क्या आएगा?
डीटी, यही तो बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप dx की जगह देखें तो dx की जगह क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर cos x equals to t है, अगर cos x equals to क्या चल रहा है, t चल रहा है, ध्यान से देखना। cos x equals to अगर t है तो इसे t upon 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया t, और हाइपोटेनस कितना हो गया 1, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ही तो होता है cos x। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर आप ये निकालोगे तो ये कितना निकल कर आ रहा होगा, तो आंसर है 1 माइनस टी स्क्वायर, कितना आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहां से अगर आपको बोलूं कि साइन एक्स की वैल्यू निकाल कर दिखाओ तो बताना क्या आ रही होगी, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर से सुनना, कॉस एक्स अगर मान लो टी के इक्वल है, और मैंने यहां पर ट्राइंगल बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर मैंने कहा कि cos x जो है वो क्या होता होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, बेस कितना है t, हाइपोटेनस कितना है 1। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जब सॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर का आपका आंसर 1 माइनस टी स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में अगर sin x निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि sin x हमारा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जब cos x इक्वल्स टू t माना है आपने और cos x का डेरिवेटिव कराओगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स और क्या आ जाएगा dt। अब ये माइनस का साइन एक्स अपॉन में जाएगा तो dx इक्वल्स टू बताओ कितना आ जाएगा, dt अपॉन में क्या बोलो, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, dt अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक है। और बच्चों एक चीज और कि dx ऐसे ही ठीक है, dt भी ऐसे ही ठीक है, माइनस भी ऐसे ही ठीक है। साइन एक्स अगर कहीं पर लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि dx जो है जहां भी dx लिखा होगा उसे लिखा जा सकता है क्या, dt और अपॉन में क्या, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में क्या, माइनस, माइनस आएगा, dt आएगा और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये सब कुछ किसकी जगह लिखा गया है अभी, सिर्फ dx की जगह, और साथ में क्या चल रहा है, साइन इनवर्स, और कॉस एक्स को आपने क्या माना है, टी। ये बात आपको समझ आ गई। अब बच्चों एक बात और ध्यान से सुनो, क्या कि अगर मैं कहीं पर साइन इनवर्स टी को यू मान लूं थोड़ी देर के लिए और इसका डेरिवेटिव कराऊं तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी और इक्वल्स टू में क्या, डी यू, ठीक। अब यहां पर ध्यान दो, माइनस ऐसे ही ठीक है, साइन इनवर्स टी को क्या माना गया, यू, ठीक है, और डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इस क्वांटिटी को क्या लिखा जा सकता है बोलो, डी यू, ठीक। अब माइनस ऐसे ही ठीक है, इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस ऐसे ही ठीक है, यू आपने किसको माना था बोलो, साइन इनवर्स टी को, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है 2, और इसका अभी क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, यू की जगह साइन इनवर्स टी लिख दिया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद और भी आसान हो गया, साइन इनवर्स टी, टी कहाँ है, ये क्या लिखा हुआ है बोलो, वहां पर कॉस एक्स लिखा हुआ है, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 प्लस सी, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के, ठीक। अब यहां पर बच्चों एक बात ध्यान देना कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स लिखाओ तो उसे क्या लिखा जा सकता है बताओ, पाई बाय 2 माइनस में क्या, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये मेरे लिए साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस ऐसे ठीक है, मैं लिखने वाला हूं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह हमारे पास क्या चल रहा है बोलो, कॉस एक्स प्लस सी, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, फिर से सुनना, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख दिया गया, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह हमारे पास क्या चल रहा है, कॉस एक्स चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे,
साइन इनवर्स टी का होल स्क्वायर चल रहा है, यस करेक्ट। तो यहाँ पर अभी और क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, कितने टर्म का, सिर्फ ऊपर वाले का, इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, माइनस ऐसे ही ठीक है, पाई बाय टू ऐसे ही ठीक है, माइनस कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, क्या बचा है बोलो अभी, एक्स, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, टू प्लस सी। अब यहां पर ध्यान से देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, तो बोलना क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, माइनस में क्या, टू ए बी, और इसके होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, टू, और प्लस में सी, ये कर दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी। अब क्या होगा, आप इस माइनस के साइन को ओपन करोगे और साथ में टू से डिवाइड भी करते जाओगे, सेप टू को सेपरेट भी करते जाओगे, तो बताओ पहला टर्म क्या बनेगा, माइनस पाई स्क्वायर बाय एट, फोर टू जा कितना, एट, फिर माइनस माइनस ये माइनस ही आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या, टू, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई एक्स अपॉन में क्या, टू प्लस, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, देखो किया क्या है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, सुनो ध्यान से। सबसे पहला काम हमारा ये है कि जब हमारे पास साइन इनवर्स और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है तो हमेशा एंगल को ही मानना पड़ेगा हमें, क्या, टी, ठीक। एंगल को जब हम टी मानेंगे, मतलब कॉस एक्स को जब हम टी मानेंगे, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम एक्स की जगह कॉस इनवर्स टी लिख पाएंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है कहीं ज़रूरत पड़ी इसकी, पड़ी क्या ज़रूरत, नहीं पड़ी, तो अभी इस वाले स्टेप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं एक्स तो लिख देता, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉस एक्स को हमने टी माना, तो कॉस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन एक्स, और इधर डी टी चल रहा है, ये माइनस साइन एक्स अपॉन में आ गया। अब हमने कहीं पर साइड में लिख कर देख लिया कि अगर कॉस एक्स टी होता है तो साइन एक्स क्या होता होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा सोचो आप, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन एक्स वही तो लिखा हुआ है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वही तो लिखा हुआ है ना, या पाइथागोरस इससे समझ लो कि ये जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल कर आ जाएगा, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से क्या निकल जाएगा, साइन एक्स, मतलब बेसिकली साइन एक्स कहीं पर लिखा हो तो उसे अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां पर जब ये माइनस साइन एक्स में नीचे ले गया था तो साइन एक्स को मैंने अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर लिख लिया, ठीक। तो कहीं पर भी डी एक्स लिखा हो उसे डी टी अपॉन दिस लिखा जा सकता है, तो मैंने इस डी एक्स की जगह डी टी अपॉन दिस और ये माइनस बाहर लिख दिया। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी सब्सिट्यूशन करने के बाद भी इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो अगेन सब्सिट्यूशन किया जाएगा, जिसमें से साइन इनवर्स टी को हमने यू माना, उससे हमारा ये वाला जो पार्ट था डी टी, मतलब साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, तो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये डी यू बन गया। अब हमारा इंटीग्रेशन करना आता है, सब्सिट्यूशन दो बार हो चुका, अब हमारा इंटीग्रेशन आता है। जब आपने इंटीग्रेशन कराया, अब इसके बाद के जितने भी स्टेप किए गए हैं वो सब सिंप्लीफाई किए गए हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या किया गया, जैसे कि यू जिसको माना है वो लिखना, जैसे कि टी जिसको माना है वो लिखना, फिर इसके बाद अपने आंसर को इन द टर्म ऑफ एक्स देने के लिए हमने किया क्या वो सुनो। ये हमारा आंसर आ चुका, ठीक है, क्या ये आंसर करेक्ट है, यहाँ पर छोड़ सकते हैं, आंसर है यस, आप यहाँ पर भी अपने आंसर को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब लेकिन इससे आगे अगर हमें आंसर को अपना इन द टर्म ऑफ एक्स देना हो, सिर्फ एक्स एंगल के टर्म में ना, तब उस केस में हम कैसे करेंगे, तो आंसर ये है कि साइन इनवर्स टी अगर कहीं पर लिखा हो, मतलब साइन इनवर्स एक्स कहीं पर लिखा हो, तो उसे पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। तो मैंने यही किया, साइन इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, उसको क्या लिख दिया, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इससे ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक्स, लेकिन अभी भी स्क्वायर चल रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया और फिर इसके बाद जो नीचे टू लिखा था इसको सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये जो जब आप इस फाइनल आंसर को लिखोगे, तो फाइनल आंसर को लिखते वक्त ये बात याद रखना कि ये सी जो लिखा हुआ है ये क्या है, तो आंसर है सम कांस्टेंट,
और ये जो पाई स्क्वायर है, पाई तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एट एक इंस्टेंट जो कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट में जब हम कांस्टेंट को ऐड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट। अब मैंने यहाँ C1 लिख दिया है, ये C1 किसके इक्वल है, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट, ठीक। और बचेगा क्या हमारे पास, पाई एक्स अपॉन टू बचेगा, और साथ में क्या माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इनको नहीं लिखा जा सकता ऐसे ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स आ रहा है, ये वेरिएबल है हमारा, ठीक है। बस इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को मिलाकर मैंने यहाँ पर C1 लिख दिया, आप चाहो तो सिर्फ सी लिखो, दैट इज ओके, ठीक है। या कई बार ऐसा भी करते हैं बुक्स में, आप देखोगे अगर, तो पहले यहाँ स्मॉल सी लिखते हैं और फिर इसकी जगह यहाँ पर आते आते बड़ा सी लिख देते हैं, कैपिटल सी, ठीक है, ऐसा भी किया जाता है। इस तरह से आप अपना फाइनल आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है 1 upon cos x minus a एंड cos x minus b, ठीक है। इस तरह का मान लो क्वेश्चन आ जाता है, तब कैसे करोगे, तो ये आसान है। इसको करने का तरीका क्या है, देखिए इस एक्सरसाइज के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी तक इस एक्सरसाइज में से, वो ये क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है वो ये क्वेश्चन है। यहां पर या तो वो कॉस की जगह साइन और दे देता है, बस इतना सा चेंज कर देता है, यहाँ साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी लिख देगा, इस टाइप से कुछ, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, करने का तरीका देखो, 1 upon sin a minus b से नीचे और साइन ए माइनस बी से ऊपर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है। हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, तो उसके लिए आपको एक स्टेप का वेट करना पड़ेगा। cos x माइनस ए और cos x माइनस बी ये ऐसे ही लिखा रहे हैं तो नीचे 1 upon sin a minus b ऐसे ही, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ना साइन ए माइनस बी, इसको इसमें हम x क्या कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, ठीक है। x अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, और x ही क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से, सब्ट्रैक्ट भी करा रहे हैं अपनी तरफ से। तो इससे क्या होगा, ध्यान से समझ नहीं पाता है। अगर मान लो कहीं पर a माइनस बी लिखा हो, ठीक है, तो उसमें हमने अपनी तरफ से क्या किया, माइनस करा दिया x और प्लस भी करा दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, माइनस करा दिया और ये प्लस करा दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलो, x माइनस है, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लो, या फिर मैं ये कहूँ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली x माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी लिख सकते हैं। देखो एक बार फिर से देखना, कहीं पर a माइनस बी लिखा हो तो a माइनस बी में, ये तो a माइनस बी तो देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ माइनस x किया और प्लस x किया, ठीक। इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस है, और साथ में ये अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं a माइनस बी लिखा हो उसे x माइनस बी प्लस x माइनस ए लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर इस जगह पर a माइनस बी की जगह क्या लिख रहा हूँ, x माइनस बी प्लस में माइनस में क्या, x माइनस ए, ये लिख रहा हूँ मैं, और अपॉन में क्या चल रहा है, cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब बच्चों क्या होगा, इस स्टेप पर जब आपने a माइनस बी को जब ये लिखना सीख लिया, तो अब क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन ये a है और ये क्या है, b। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, साइन a माइनस बी, तो आंसर है साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस में कॉस ए साइन बी,
ठीक है, क्या हो गया ये साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इस होल के नीचे जो अपॉन में लिखा हुआ है वो मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ इसी स्टेप में। तो कॉस एक्स माइनस ए अलग, कॉस एक्स माइनस बी अलग, इसी तरह से यहाँ पर भी लिख लो कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दो, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि a माइनस बी को इस टर्म में लिख लिया गया, और साइन a माइनस बी लिखने, साइन a माइनस बी का जब फॉर्मूला लगाया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और जब डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो इससे कुछ फायदा हो गया, क्या कॉस x माइनस a से, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस x माइनस a से कॉस x माइनस a कैंसिल हो गया, और इधर ध्यान से देखो कॉस x माइनस b से कॉस x माइनस b कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो आंसर ऑफ वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ये तो बाहर चल ही रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें एक्स तो आ नहीं रहा तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, अब हमारे पास साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी बचे, इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, टेन एक्स माइनस बी, ठीक, माइनस यहाँ पर साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए ये आ जाएगा, ठीक है, और डी एक्स चल ही रहा है। अब आप इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन करा देना, ठीक है, इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन जब कराओगे तो बताओ बच्चों टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सिर्फ टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स, क्या होता है लॉग कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या लोगे एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस ऐसी, ठीक है, ऐसी फिर से टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स, तो वो माइनस इसे क्या बना देगा प्लस लॉग और क्या कॉस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक, और प्लस में क्या चल रहा होगा बोलो सी, ठीक है, अच्छा, और वन अपॉन साइन ए माइनस बी ऐसे ही, ठीक है, यहां पर देखो ये प्लस का है और ये कैसा है माइनस का, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, ये किसका फॉर्मूला होता है बोलो लॉग एम अपॉन एन का, तो यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा कॉस और अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, और प्लस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो देखो कितना छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, आया ना, देखो साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कराया ऊपर नीचे, ठीक, अब a माइनस बी को लिखा जा सकता है x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो a माइनस बी की जगह ये लिख दिया, ठीक, अब इसको लिखने के बाद साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, वो क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और जब इसको सेपरेट किया तो सेपरेट करते ही यहां पर क्या बन जाएंगे बोलो टेन, साइन अपॉन कॉस टेन बनेंगे, और टेन एक्स का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है, क्या होता है वो लॉग कॉस एक्स, एक्स की जगह ध्यान रखना एक्स माइनस बी आ रहा है, या और इधर एक्स माइनस ए आ रहा है, ठीक, अब ये क्या है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, तो एम अपॉन में एन, और ये आगे चल ही रहा था, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, आसान सा एक क्वेश्चन आ गया, क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस होल के नीचे लिखा हुआ है क्या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत ही आसान सा निकला, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इसके नीचे सेपरेट करके लिख दूं तो क्या होगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अलग साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे अलग साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकता हूं,
तो यहां से ये फायदा होगा कि ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, और यहां पर ये कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स। और दोनों का ही बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना आता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है, टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स। तो क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट एक्स हो जाएगा यहाँ पर प्लस से। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, देखो कोई ऑप्शन मैच करता है क्या। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो बस सेपरेट करोगे, सेपरेट करते ही बच्चों आपको ये ऐसे टर्म मिल रहे हैं जिनका इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि e की पावर x 1 प्लस x है और cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है, e की पावर x 1 प्लस x cos स्क्वायर x e की पावर x इंटू x भी है वहां पर, ठीक है। अच्छा, तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली कि e की पावर x इंटू x को ही t मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंगल में लिखा है, तो जनरली एंगल में जो टर्म लिखा होता है उसको t मान लो तो वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। यहां पर प्रोडक्ट रूल काम करेगा, तो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस, बोलो, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x। अरे डेरिवेटिव ये तो पता ही होगा, यहां पर फर्स्ट आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगाया, e की पावर x कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब कहीं पर e की पावर x 1 प्लस x dx लिखा हो, सब को क्या लिख सकते हैं, dt। तो इस सब की जगह dt और 1 अपॉन cos स्क्वायर, इस टर्म को हमने t माना है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर t को हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या, tan t। और t की जगह क्या लिखा जा सकता है, दिस क्वांटिटी e की पावर x इंटू x प्लस। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, b, ठीक है, मैं यहां पर b लिख देता हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आइडिया यहीं से लग जाता है कि इसको अगर t मान लिया जाए तो ऊपर वाला सारा टर्म dt बन जाएगा, और फिर 1 अपॉन cos स्क्वायर t sec स्क्वायर t बनेगा, उसका इंटीग्रेशन हमें आता है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 24 कर पाओगे। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, और ये जो आपने 24 क्वेश्चन देखे ये थे बेस्ड किस पर, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। यहाँ ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाती है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।